नमस्कार, मैं आर्यभट्ट से उत्कर्ष डोंगरे आज आपका परिचय अंग्रेजी के एक अनूठे शब्द से करवाता हूँ। यह शब्द है नोमोन। इसमें जी साइलेंट है, इसलिए इसे नोमोन बोलते हैं। नोमोन एक ऐसी खूंटी या छोटा खंभा हो सकता है जिसकी सहायता से समय का हिसाब लगाया जा सके। आप में से कई लोग सूर्य मंदिर गए होंगे। सूर्य मंदिर में सौर्य घड़ी पर लगा तिरछा पत्थर भी नोमोन कहलाता है। परछाई देखकर आसमान में सूरज की पोजीशन का पता लग सकता है। यह छोटा सा नोमोन हमें अनेक वैज्ञानिक तथ्यों तक पहुंचाता है। यहाँ तक कि यूनान वालों ने तो इस छोटे से नोमोन की मदद से अर्थ की सर्कमफ्रेंस तक कैलकुलेट कर ली थी। तो क्या आप भी ये सब एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं ये छोटे से नोमोन की मदद से? तो चलिए हम नोमोन बनाते हैं। तो नोमोन बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम एक कार्डबोर्ड शीट या एक थर्माकोल शीट लगेगी। उसके बाद हमें एक ड्राइंग शीट लगेगी। फिर एक सीधा पोल जो 1 मीटर से कुछ अधिक होगा, 2 ईंटें और छोटी चीज़ें। उन छोटी चीज़ों में होगा एक पेन, कैची, राउंडर और बाकी सब। तो यहाँ पर जो हमने थर्माकोल की शीट ली है वो 18x18 इंचेस की है, और आप लोग जो ड्राइंग शीट लेंगे वो उससे कुछ अधिक होगी। ये जो पोल है वो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम इस पर गोले मार्क करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप लोग सेंटर मार्क कर लें। फिर सेंटर मार्क करने के बाद आप पोल के साइज़ का एग्जैक्ट एक गोला बना लें सेंटर से। उसके बाद इस सेंटर पर से 17 से लेकर 24 सेंटीमीटर तक एक एक सेंटीमीटर बढ़ाते हुए गोले बनाते जाएं। फिर यहाँ पर सीधी 2 डंडियाँ खींच दे जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती होंगी। तो ये जो हमारा पोल है उसके टॉप टिप पर से आप 100 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उससे पहले आपको ऐसे एक चाकू से इसे खुरचना होगा ताकि ये नुकीला नोकदार बन जाए। फिर हमने यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर मार्क किया है उसके बाद हम 10 सेंटीमीटर उससे नीचे छोड़कर वहाँ से नोमोन को काट देंगे। अब हम 2 ईंटें लेंगे जिसके बीच में ठीक हमारे पोल के साइज़ का छेद कर लेंगे। फिर हम ये पूरा सेटअप उसके ऊपर ऐसे फंसा देंगे। तो अब हमारा सेटअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इस पोल के साइज़ का छेद इस थर्माकोल शीट में भी करना होगा। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि आप जो भी पोल लें वो बिल्कुल सीधा हो। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर ऐसा टूल बनाया है जिसके निचले हिस्से पर मैंने एक वेट टाइप का लटकाया हुआ है, और ये जो धागा है वो नॉर्मल धागा है लेकिन ये थोड़ा कड़क वाला है। तो हम इसे ऐसे देखेंगे ऊपर करके कि यह सीधा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा नोमोन बिल्कुल सीधा है। तो आपका जो सेटअप है आप उसे ईंटे रखकर फिर इसे उसके ऊपर ऐसे रख के नोमोन अंदर लगा दें। यह ध्यान रखें कि जो 100 सेंटीमीटर वाला मार्क आपने किया है वह हमारी जो कार्डबोर्ड शीट है उसके ऊपर साइड आ जाए। वह मिट सकता है, इसलिए आपको उसे परमानेंट करना होगा। यह परमानेंट आप टेप चिपकाकर या कोई रंगीन कागज़ चिपकाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नोमोन पूरा बनकर तैयार है रीडिंग्स लेने के लिए। अब नोमोन की रीडिंग्स लेने के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।